मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे से वापस छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। सीएम ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि तेलंगाना में सभी दल के स्टार प्रचारक पहुंचे हुए हैं। वहां जबरदस्त चुनावी सभा और कशमकश देखने को मिल रही है। वहां भी हमें कांग्रेस की सरकार आती हुई दिख रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने वाले बयान पर तंज कसते हुए पलटवार उन्होंने किया। सीएम ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से सभी कर्मचारी पहले से ही दबाव में हैं। बीजेपी अब जबरदस्ती क्यों नौटंकी कर रही है? पीएम मोदी के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर सीएम बघेल ने कहा कि जब आप दूसरों को मूर्खों का सरदार बोलते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता, जो आप दूसरों को दे रहे हैं वही आपको मिलेगा। तेलंगाना में सभी सारे दल के स्टार प्रचारक पहुंचे हुए हैं और जबरदस्त वहाँ चुनावी सभा और कसमकस, तो इस समय तो निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस की जबरदस्त माहौल है। खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी लगातार वहाँ जा रहे हैं और जो रुझान जो दिख रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। हाँ, तो जरूरी है, यदि बारिश होती है तो कम से कम उसमें तिरपाल वगैरह सब ढकने के कवर केप वगैरह लगाएं। खाद्य मंत्री सामने हैं तो सब देखेंगे, समीक्षा कर ले। ठीक है, और कोई बात? सर, सर, सर प्रधानमंत्री जी भी तेलंगाना में एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस और केसीआर ने दोनों ने बराबर का पाप किया है, तेलंगाना को बर्बाद करें और वहाँ की जनता एक बीमारी को भगा के दूसरी को आ रही है। बल्कि मुझे तो वहाँ एक पत्रकार पूछ रहे थे कि ये के कविता जो है प्रधान वहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री को उसकी पुत्री है, ईडी ने नोटिस देने के बाद जब वो नहीं गई तो ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो मैं बोला इसे समझा जा सकता है बीजेपी और जो बीआरएस है उसके संबंध कैसे हैं। ये वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाई है कि कांग्रेस का वोट विभाजित हो ताकि बीआरएस की सरकार बन सके, ये तेलंगाना की जनता जान चुकी है। अब वो इनके उनके खिलाफ कुछ नहीं कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो मूर्खों के सरताज कहेंगे तब कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, जो जनता बोलती है यदि वो राहुल जी बोल दे तब उसमें शिकायत भी हो जाती है, कार्रवाई भी होती है, नोटिस भी हो जाता है। ठीक है, अरे ईडी आईटी के मारे सारे अधिकारी कर्मचारी वैसे दबाव में भाई। हाँ, उसके दबाव में अब क्यों जबरदस्ती नाटक नौटंकी कर रहे हैं लोग भाई? सारे हम लोगों को देखा है चुनाव के दरमियान कि शिकायत भी कर रहे हैं, उसे सामान भी वहाँ पकड़ा हुआ है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? सारे लोग धमकी दिया गया कि यदि समझ लो ईडी आईटी तुम्हारे घर भी आ सकती है। ठीक है, थैंक यू।